ये देखिए सारे पेड़ इस बार ठंडी में जब ठंडक पड़ी थी तेज से, तो ये जितने भी पेड़ पौधे थे मेरे सारे सूख के कगार पे आ गए थे। ये तो समी है, कुछ ठीक है, ये भी सूख चुके थे। पर ये जो इसमें कहाँ से ना पौधा, ये इसलिए लगाया गया है कि जब हम जाता है, जैसे उनको क्या होता है ना, वो चावल अच्छा चावल और हल्दी डूब करके कोई अच्छा लोग बोलते हैं रहता है, वो चीज़ें होता है, तो इसीलिए ये धूप लगाया गया है कि धूप कहाँ कोई खोजेगा, यही रहता है। ठीक है, तो सोचिए एक हमारे यहाँ इसके रहने से कितना प्रॉफिट रहता है ना। और ये नहीं आनू, तो ये है यहाँ पे ये तुलसी माता है जो सूख चुके हैं ठंडक के कारण थोड़ा सा ये, और ये भी तुलसी टाइप में कुछ और होती हैं। ये देखिए मिर्च का पेड़ लगा है, बस मिर्च अभी इसमें लगे नहीं हैं, मैं फलेगा दिखाऊंगी आप लोग को। और यहाँ पे है मीठी नीम की पत्ती, वो सदाबहार है, ये भी गुड़ाल देखिए मौसम अच्छा होते हैं से भी खिल गए हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ये हैं, ये देखिए, तो सारे पेड़ एक साइड में लगा दे रख दिया गया है, बट बच्चे यहाँ आते हैं तो कभी कभी तोड़ देते हैं, लेकिन बचाया जाता है। तो गैस यहाँ आज मैं धरने के प्रदर्शन जैसे होते हैं उस तरीके से अकॉर्डिंग से मैं बैठ गई हूँ, बट ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे आ गए ही गृहस्थी का सामान, तो सभी लोग दिखा रहे थे, मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ, बट मैं जो मेरा सिस्टम है काम करना उस तरीके से मैं आराम से जब बैठ जाती हूँ पर्चा लेके तभी सारी चीज़ मिलाती हूँ, क्योंकि लाते ये हैं जाते हैं तो सारा चीज़ एक एक चीज़ मिलाती हूँ, क्या आया क्या नहीं, ऐसा होता है कभी कभी कट जाता है, हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, तो ये चीज़ें सबसे बड़ी इसमें यही केयर करना रहता है। फिर सिस्टम बाय सिस्टम से सारे डिब्बे में हटाना रखना, तो एक घंटा तो टाइम ले लेता है, क्योंकि सारे डब्बे को अच्छे तरीके से तो ये पासता है, तो यहाँ सारे सामान मैं निकाल के सारे देख रही हूँ पर्चे में, ये रिफंड है तो इधर सारे देख रही हूँ कितने क्या हैं क्या नहीं है, तो सारे तरीके से देखना, नहीं तो फिर पापा जी बोलते हैं तुम लोग ध्यान नहीं देती हो अगर एक भी चीज़ भूल जाते हैं, तो इसलिए इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ इसमें है, इसी को मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए सारे गृहस्थी के सारे सामान, बस एक चीज़ इसमें मेरा नहीं आ पाया था जो उनके पास नहीं था, एक लहसुन और दूसरा और क्या एक चीज़ और भी नहीं आया, चाय पत्ती उनके हाथ नहीं आती है, तो दो चीज़ें यहाँ नहीं आई हैं, तो वही चीज़ें यहाँ सारे और बाकी सारे सामान था, तो जो प्रचार रहता है बना हुआ उसे हमें मिलाने के बाद उसे रखना होता है, फिर जो चीज़ें उसमें नहीं रहता है कितने से क्या इसमें निम क्या घटा क्या बढ़ा सारे सिस्टम बाय सिस्टम से करती हूँ, तो इसीलिए थोड़ी सी रिकॉर्डिंग आप लोग के भी साथ शेयर कर दी हूँ। आई होप ये आप लोग को पसंद आएगा कि आप लोग भी सिस्टम को एडजस्ट कर सक तरीके से। हेलो गाइस, तो अभी चलिए मैं चली हूँ आज पोहा बनाने, आज चूरा मटर घुघरी कुछ नहीं बनेगा, आज पोहा बनेगा, तो मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली है, बस ऐसे ही मटर और इधर प्याज मिर्च कटे हुए हैं, इधर आलू रखे हुए हैं, और पहले मैं इसे फ्राई करके निकाल लेती हूँ, चिनिया बादाम को पहले अच्छी तरीके से फ्राई थोड़ा सा कर लेती हूँ, इसके बाद निकाल लेंगी, निकालने के बाद थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से हो जाए, तो इसमें और थोड़ा सा मैं रिफाइंड ऐड कर देती हूँ बस। अब मैं इसमें क्या करूँगी, पहले मैं इसमें डालूँगी आलू, थोड़ा सा जीरा डाल, पहले मैं इसमें ऐड करती हूँ जीरा, जीरा के बाद अब मेरा ऐड होगा इसमें आलू, जीरा ब्राउन हो रहा, मैं इसमें आलू डाल देती हूँ क्योंकि आलू होने में थोड़ा सा समय लगेगा इसलिए। तो बस यहाँ पे मेरे हो रहे हैं आलू, अब आलू के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्या मिर्चें जो थे, ये मैं क्या प्याज हरा मिर्च और प्याज को ऐड कर दी, मैं पोहे बनाने का रेसिपी नहीं बता रही हूँ कि आज मैं बहुत छोटा सा मेरा ब्लॉग रहेगा, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था कि आज मैं वीडियो डालूं, बट मन है कि मन का नहीं। और इसी के साथ मैं ऐड कर देती हूँ मटर, ये भी ऐड हो गया, और ये जब तक धीरे धीरे रहे अच्छे से छोड़े 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 इस तरीके से, ये देखिए
अब मैं इसे ले लो, क्यों चालू की तुम्हें बोल। तो गैस इसमें मैंने मसाला को ऐड कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से मेरा फ्राई हो चुका है, बट आज पोहे जो बन रहे हैं बिना नींबू। तो गैस यहाँ पे देखिए मेरा पोहा बन के तैयार। हाँ बस कलर इसका पता नहीं क्यों इसमें डिफरेंट लग रहा, लेकिन कलर बहुत अच्छा आया था, बस नींबू की कमी रह गई थी। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए पोहा। तो गैस मैं आ गई हूँ छत पर, और आज मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो को अपलोड करूँ, एडिटिंग करूँ, पर है वही होता है, मन नहीं मानता है। चिड़िया चहचहा रही हैं वहाँ पे बस, लेकिन मन नहीं माना क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा था फीलिंग, और मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुख क्यों हो रहा है? ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, दुख नहीं, क्या दुख है, सब भगवान की कृपा से बना हुआ अच्छा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बस हाँ, हर इंसान के अंदर कुछ कुछ फीलिंग होती है जो कभी कभी होती है, मन अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो कोई इतना मतलब नहीं रखता है मेरे लिए, ये चीज़ें नहीं हैं। बट इसी तरीके से जैसे कभी कभी फूल पौधे भी मुरझा जाते हैं, वैसे हम भी मुरझा जाते हैं कभी कभी। मन नहीं करता है कि ऐसा करें, फिर होता है कि चलो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। होता है क्या कि जब हम डीमोटिवेट होते हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बढ़ जाती है। आज मेरा चेहरा भी कुछ इस तरीके से, पहनी थी हूँ साड़ी, बट थोड़ा सा अजीब सा मन हो रहा था, अभी जस्ट ऊपर आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करने के, ना कुछ करने का मन कर रहा है। चलिए आज पूरे गृहस्थी का सामान भी आया था, उसको भी सेट करने में पूरा टाइम, और टाइम से होता ना थकान सी हो जा रही है पता नहीं क्यों। और पोहे मैंने बनाया था तो उसकी रेसिपी कुछ शेयर की, बहुत ही और बिना नींबू के बना था, बिना नींबू का था, नींबू आज नहीं था पोहे में, जो कि नींबू काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन नहीं अनिवार्य होता है, बट होता है क्या कि नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है, नहीं मिलता है तो नहीं करें, नहीं हो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मैं मुझे था कि यहाँ बना, बच्चों का जिद था कि पोहा ही बने, बट नींबू नहीं बनते हैं। तब बस चलती हूँ नीचे काम करने, और फिर ये वीडियो अभी अपलोड होगा, कल देखती हूँ कौन सा ब्लॉग कैसा बनता है, क्या होता है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है कि नहीं। और आज मैं इनसे गुस्सा हो जाऊँगी क्योंकि इनसे मैंने कुछ कहा, मुझे कंधा खाने का वो क्या गंजी भी बोलते हैं, कंधा भी बोलते हैं, तो उस दिन व्रत था जिस दिन आया था, तो मैं खाई थी, उस दिन मुझे एसिडिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी तो नहीं खाई, और लेकिन मुझे पसंद काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बाद नहीं मिला तो मुझे मन कर रहा था, मैं इनसे बोली लेके आइएगा, अगर आज नहीं लेके आएंगे ना तो आज तो लड़ाई हो ही जाएगी। देखते हैं कैसे होता है, तो वैसे ले आना चाहिए कल की, क्यों जब मैंने इनसे पूछा कि आपसे मैं बोली थी गंजी लाने को, तो ये कुछ नहीं बोले, तो बाबू बोला चलो क्या हुआ कल आ जाएगा ना, उसको लगा कहीं मम्मी कुछ गुस्सा ना हो जाए। तो बच्चों को भी ये चीज़ें आता रहता है, लेकिन उसको ये था मेरी तरफदारी में फ्लेवर में बाबू मेरा ज़्यादा रहता है। तो अभी चलिए जस्ट यही सब हो गया, तो आज तो इनसे देखिए अगर कंधा नहीं आया तो आज तो लड़ाई होगी ही, कंधा के लिए नहीं मजाक कर रही हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा हर पति पत्नी में एक दूसरे की कहा सुनी होती है, ऐसी कोई लड़ाई बात नहीं है। हाँ लेकिन ये जरूर कहूँगी, मैं दो दिन से कह रही हूँ आप लाए नहीं, ये गलत बात है। तो चलिए अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जो कर दीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, मिलेंगे अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।